नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी में बैंड बाजों के साथ रविवार को धूमधाम से भगवान श्री राम की बारात शहर में निकलेगी। पुरुषोत्तम माह के अंतर्गत 6 अगस्त को विवाह पंचम उत्सव मनाया जाएगा। इसमें राम बारात का आयोजन किया गया है। बड़ा बाजार स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर के तत्वाधान में आयोजित राम बारात के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए महंत श्री विष्णु गोलवलकर ने पत्रकारों को बताया कि रविवार को दोपहर 2 बजे भगवान श्री राम की बारात मुरली मनोहर मंदिर से प्रारंभ होकर गांधी रोड, सुभाषगंज, रानी महल, कोतवाल, गांधी का टपरा, सरपा बाजार, मानिक चौक होते हुए वापस मंदिर आएगी। बारात के मुख्य आकर्षण भगवान का विमान, दिल्ली से आई राधा कृष्ण और हनुमान जी की झांकी, कलश, मथुरा के फूलों की छतरी, ग्वालियर की शहनाई, जबलपुर के ढोल, बैंड बाजे और डीजे रहेंगे। देखिए, पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर विवाह पंचमी के दिन कल राम विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम विवाह की पूरी हम लोगों ने एक झांसी नगर भ्रमण में एक बारात निकलेगी, जिसमें हम लोगों ने जो जबलपुर से बैंड आ रहे और ग्वालियर के जो छतरी हैं आगरा से आ रहे, तो ऐसे तमाम हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष से कुछ ना कुछ विशेष आकर्षण बुलाए हैं, जो कि हम लोग झांसी में एक भव्य रूप से बारात निकालेंगे। बाराबंकी जिले में पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में बालिका और महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा अभियान मिशन शक्ति के तहत जैदपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे के नेतृत्व में SI योगेंद्र यादव, कांस्टेबल रामभवन गुप्ता, चंद्रेश यादव, महिला कांस्टेबल, तमाम लोग यहाँ पर चौपा लगाते हुए नजर आए और बालिकाओं और महिलाओं को उनके प्रति होने वाले किसी भी अपराध से संबंधित अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस और शक्ति महिला मित्र पुलिस कर्मियों को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीलाल पुरवा का एक पूरा मामला है, जहां पर आफ्ताब आलम पुत्र मोहम्मद मुस्लिम घर में लगे तार पर कपड़े सुखाने के लिए गया हुआ था, जहां पर तार में करंट आ जाने के कारण गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे परिजनों द्वारा अनुपालन में CSC जैदपुर लाया गया, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमा हिंद की इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ गलतफहमियों के कारण मतभेद पैदा हो गए थे, जिसे दूर करने का काफी प्रयास किया गया पर बात नहीं बन पाई। इस स्थिति में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मुज्जला अली के हिदायत पर सूबे की जमीयत मुजफ्फरनगर जिले की कमेटी को भंग करने का फैसला लिया और जिले की एक नई एंड हॉक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी में 10 सदस्यों को जोड़ा गया है। इस एड हॉक कमेटी के जिला संयोजक मौलाना मुरकम कासमी को बनाया गया है। मेरा नाम मौलाना मुकर्रम है, कन्वीनर जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर। आज हमारे कई सारे हमारी मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। एक तो ये है कि जमीयत उलमा का जो इजलास है मुंतजिमा का, वो इजलास तय हुआ है, वो हमारा 20 सितंबर में तय हुआ है, 20 सितंबर में इजलास होगा। दूसरा ये है जमीयत की सभा, हाँ, उसमें आगरा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व SC ST आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान मिटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को टोरेंट अधिकारी से मारपीट और मलबा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट MPML ने दोषी पाया है। कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल की कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। 16 नवंबर 2011 को दोपहर 12:10 के करीब टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मार्ग स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामले की सुनवाई और निस्तारण कर रही थी। उसी दौरान स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए 10-15 समर्थकों ने टोरेंट अधिकारी भावेश रसिकलाल कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफी चोटें आई थी। टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समिधि लाल ने हरिपर्वत थाने में तहरीर दी, जिसके बाद ही फैसला सुनाया गया है। शमशाबाद रोड आगरा पर एक महिला प्रेस करती थी, प्रेस कपड़ों पर, SC समाज की थी, तो उनका एक टोरंटो का मामला था, उनका बिल जो है काफी ज्यादा आ गया था, तो वो काफी परेशान थी, तो वो मेरे पास आई थी, तो मैंने फोन किया टोरंटो को, बात की, तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा। बांदामी गांव के ही युवक ने कक्षा 10 की नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। किशोर को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश की स्थिति में खेत में जाकर युवक ने दरिंदगी की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवक पर रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा किशोर को जिला महिला अस्पताल भेजकर डॉक्टरी परीक्षण भी कराया गया है। थाना मरका क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है, जिसके उसी थाना क्षेत्र के एक 20 वर्षीय युवक के विरुद्ध
बलात्कार पॉक्सो एक्ट एवं SC ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। अलीगढ़ में LLB के छात्रों द्वारा आगरा विश्वविद्यालय के काले कारनामों को उजागर करते हुए छात्रों के भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ का पर्दाफाश किया गया। गुस्साए छात्रों के द्वारा SV कॉलेज के गेट पर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन करते हुए आक्रोशित छात्रों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इसके साथ ही गुस्साए LLB के छात्रों का आरोप है कि उनका LLB द्वितीय वर्ष पुनः परीक्षा का रिजल्ट 18 जुलाई को घोषित किया गया था, जबकि उनके कॉलेज से LLB द्वितीय वर्ष की परीक्षा की कॉपियां 22 जुलाई को विश्वविद्यालय पहुंची थी। बावजूद इसके आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने आप को भगवान का अवतार मानते हुए परीक्षा की कॉपियां विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले ही LLB द्वितीय वर्ष का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसके चलते आक्रोशित छात्रों के द्वारा आगरा विश्वविद्यालय का काला कारनामा उजागर करते हुए आगरा विश्वविद्यालय पर सवाल निशान खड़े करते हुए कुलपति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कासगंज में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। तहसील दिवस में 90 शिकायतें पत्र प्राप्त हुए। शिकायती पत्रों में 7 शिकायतों पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी हर्षदा माथुर और पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा तहसील सभार में जन समस्याएं सुनी गई हैं। आज मेरे और पुलिस अधीक्षक कासगंज के द्वारा यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सहावर में आए हैं हम लोग, और यहाँ पर आज कुल 90 शिकायत अभी तक प्राप्त हुई है। उनमें से 7 का मौके पर निस्तारण भी कर लिया गया है। अच्छी गुणवत्ता के साथ शिकायत का निस्तारण हो उसको इंश्योर कराने के लिए जनपद में जो पुरानी शिकायतें या प्रकरण हैं उनके भी सत्यापन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया। आज भी ऐसे 3 प्रकरणों में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को उसके सत्यापन के लिए भेजा गया है। अधिक श्रावण के पवित्र महीने में चोटिला हाईवे से मवेशियों को बूचड़खाने ले जाने के संदेह में गौरक्षकों ने मवेशियों से भरी गाड़ी के साथ 2 इमामों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ चोटिला पुलिस थाने में एक FIR दर्ज कराई है। वाकानेर से भरूच ले जाई जा रही करीब 10 भैंसों और पांडों को चोटिला और मोरबी गौरक्षक और पुलिस की मदद से पकड़ा गया। सूत्रों से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पहले भी मवेशियों से भरे वाहन के साथ पकड़ा गया है। गौरक्षक प्रेमियों द्वारा यह खुलासा किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग अक्सर अनबुल पशुओं को बूचड़खाने तक ले जाने के लिए किया जाता है। लिबंडी SDPO में लिबंडी राजमार्ग से कई डिपो बसें नियमित रूप से राजमार्ग पर जा रही हैं और यात्री बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहे हैं, और लिबंडी बस स्टैंड खंडित स्थिति में है और मॉनसून स्टीम में पानी भर जाता है। डिविजनल डायरेक्टर लिबंडी एस के निरीक्षण के दौरान इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्कशॉप के नवीनीकरण जैसी कई और प्राथमिक असुविधाएं यात्रियों को होती हैं, जिसके बाद लिबंडी में हमारे सहयोगी दीपक सिंह वाघेला और अश्विनी सिंह राणा द्वारा डिपो में एक लिखित और मौखिक प्रस्तुतिकरण दिया गया है। हरदोई की महिला ने बैंक में जमकर हंगामा काटा और इसी बीच बैंक कर्मी ने जब बैंक के चैनल में ताला जड़ दिया तो महिला ने पत्थरों से ताले को तोड़ने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घंटे भर तक महिला हंगामा करती रही। मुजफ्फरनगर के सदर संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनकर अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बांगरे SSP संजीव सुमन सहित आला अधिकारी मौजूद नजर आए। वहीं मंत्री के आने से अधिकारियों में हड़कंप भी मच गया। यहाँ पर तहसील दिवस मुजफ्फरनगर में यहाँ पर मैं हूँ, हमारे जिलाधिकारी, हमारे SSP, सभी CO's, SDM's जो क्षेत्र के हैं, अन्य सभी अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ये निर्देश भी है कि तहसील दिवस में सभी लोग अधिकारी बैठे और पहले शनिवार को और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस, उसके अंदर आकर के व्यक्ति की सुनवाई होती है, सभी अधिकारी को मौके पर निर्देश दिया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनकी समीक्षा होती है, उनके संबंध में बातचीत होती है। अमृत स्टेशन योजना में उन्नाव का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से इस योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 29 करोड़ रुपए खर्च करके उन्नाव रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ वे तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी जो एक बेहतर रेलवे स्टेशन पर होती हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को फूड प्लाजा, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां, बेबी फीडिंग, कच्छ जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 29.8 करोड़ रुपए की सौगात ये उन्नाव रेलवे स्टेशन को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि उन्नाव रेलवे स्टेशन का किस तरीके से कायाकल्प होने वाला है। हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी ने अथक प्रयास किया, और रेलवे स्टेशन नहीं अगर अन्य भी आप कार्य देखेंगे, यहाँ पर 3-3 अपने एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं और रेलवे स्टेशन, ये तो कल हम इसका शिलान्यास के कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। बहुत बड़े एक भव्य आयोजन के साथ कल यहाँ पर यह कार्यक्रम आप सबके बीच में दिखाई देगा।
रुद्रप्रयाग के केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुंड डाटपुलिया के समीप भूस्खलन के कारण लापता और मृतक व्यक्तियों के सर्च ऑपरेशन और खोजबीन कार्यों का सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गढ़वाल पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भरदे के साथ घटनास्थल का जायजा लेते हुए लापता मृतक व्यक्तियों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की है। एटा पुलिस ने आधी रात में चार बदमाशों का एनकाउंटर किया है। चारों के पैरों में गोली मारी है। सभी चारों घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक पुलिस कांस्टेबल हरिओम चौधरी को भी गोली लगी है। एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। एटा के मरहरा थाने में घायल सिपाही तैनात है। मरहरा थाना क्षेत्र में रतनपुर नहर के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई। किसान विकास फाउंडेशन के द्वारा बढ़ते हुए आई फ्लू को देखते हुए निःशुल्क नेत्र जांच और दवा वितरण शिविर का कार्यक्रम इंडियन विजन क्लिनिक श्री राजा मार्केट मोटी नीम चौराहा हबीबपुर रोड काकोरी लखनऊ में चलाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में आई फ्लू से पीड़ित लोगों का अत्याधुनिक आंखी मशीनों से परीक्षण किया गया। इसके बाद जरूरी दवा और ड्रॉप के साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए चश्मे का वितरण निःशुल्क किया गया। वहीं पीलीभीत में लगातार हम देख रहे हैं कि जमीन को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल पीलीभीत में खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ितों को निर्माण कार्य का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोपी ने लाठी डंडों लात घूंसों के साथ ईंट पत्थर से हमला कर दिया, घर में घुसकर मारपीट की है। पीड़िता ईंट भट्टे पर काम करने गई हुई थी, पीड़िता की गैर मौजूदगी में निर्माण करा लिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना जहानाबाद इलाके के गलहुया गाँव का ही पूरा मामला है। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में यूपी प्रेस क्लब में व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी के द्वारा सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। लखनऊ कानपुर प्रतापगढ़ गोंडा से आए हुए सभी व्यापारियों ने शपथ ली। रामबाबू रस्तोगी ने कहा कि व्यापारियों के साथ आए दिन लूट हत्या चोरी डकैती रहजनी चुनौती होती रहती है, लेकिन व्यापारी वर्ग की कहीं सुनवाई नहीं होती। राज्य सरकार व्यापारी नेताओं के बीच आज तक कभी व्यापारी संवाद नहीं हुआ है, जिससे व्यापारी अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। व्यापारियों को पेपरलेस बैंक से लोन व्यापार चलाने के लिए मिलना चाहिए। जीएसटी में रजिस्टर व्यापारियों को आत्मसुरक्षा के लिए लाइसेंस की स्तुति मिलनी चाहिए, जो कि शस्त्र लाइसेंस है। व्यापारी की दुकानों पर छापा और सीलिंग दोनों तत्काल बंद होनी चाहिए। यदि व्यापारी की प्रतिष्ठा को सील कर दिया गया तो सीलिंग किए हुए प्रतिष्ठान को कंपाउंड चार्ज जमा करने के बाद रिलीज कर देना चाहिए। महाराजपुर जिले से कानपुर कोर्ट में पेशी पर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। मीडिया से बात करने पर एसपी ने रोक लगाई तो सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि अगर बात करने पर रोक है तो ऑर्डर दिखाओ। दो महीने बाद पेशी पर आए विधायक मीडिया से बात नहीं कर पाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।